नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, आपको ये रेड कलर का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा दोस्तों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम या फिर एग्रीकल्चर में कोई भी नई चीज़ आई हो तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ताकि किसान भाई उसका लाभ ले सकें। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरी यहाँ पर, जिनको आप देख सकते हैं, जो पूरा एग्रीकल्चर के बारे में ही है। मैं आप दोस्तों आज आपसे बात करना चाहता हूँ स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के बारे में। आप स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये होता क्या है? मेनली अगर मैं इसमें रफ आइडिया आपको अगर दूँ तो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके द्वारा बनाए गए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो वो लोग बनाते हैं उनको असिस्ट करने का, सहायता करने का इसका मुख्य रूप से काम रहता है। बहुत सारे लोगों को, किसान भाइयों को मालूम होगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का किस चीज़ को कहते हैं। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे बनाते हैं, कैसे ये ऑपरेट करता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये होता क्या है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये क्या है? एक सोसाइटी है जो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर का विकास करने के लिए, काय के द्वारा, एग्री बिजनेस के द्वारा, कि वो लोग मिलके नहीं एग्री बिजनेस स्थापित कर सकें। दूसरा क्या है कि ये बहुत सारे लोन प्रदान करती है। इनके दो तीन तरीके के लोन आते हैं जो अपने किसान लोग, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं उनको ये लोन देने का काम भी करती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा स्थापित एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो मुख्य रूप से आपका स्मॉल फार्मर और जो मार्जिनल फार्मर रहते हैं उनके द्वारा जो स्थापित फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये असिस्ट करने का, उनको लोन देने का, उनको स्थापित करने का, उनको अच्छी तरह चलाने का, उनके लिए ये हेल्प करती है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स आती है जो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो FAQ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये आपको बताएगी कि ये किस किस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इनकी मुख्य रूप से चार स्कीम्स है। एक तो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, दूसरा है इनका इक्विटी ग्रांट स्कीम, और चौथा है, तीसरा है इनका क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, और चौथा है इनका वेंटर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। ये इनकी चार स्कीम मुख्य रूप से चलती है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रहती है उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इनका थोड़ा सा शर्त यह है कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल फार्मर या फिर मार्जिनल फार्मर के द्वारा बनाए हुए होने चाहिए। स्मॉल फार्मर अपन उनको बोलते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन रहती है, और मार्जिनल फार्मर हम उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन रहती है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, अगर अपन इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी रहती है तो इनके बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म रहते हैं, उन प्लेटफॉर्म पे ये उन ऑर्गेनाइजेशन को या उन कंपनी को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रमोट करने का काम करती है, ताकि वो कंपनियाँ फेमस हो जाएँ, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आसानी से बिक जाएँ, या फिर उन्होंने जो सीड उत्पादन लिया हुआ है वो सीड को वो आसानी से बेच सकें, ये उनका थोड़ा सा उनमें हेल्प करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के इनके प्लेटफॉर्म रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके द्वारा ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं।
दूसरा रहता है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इक्विटी ग्रांट स्कीम क्या है? ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि फार्मर इक्विटी ग्रांट स्कीम लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इसमें लिखा हुआ है कि उनके पास कम से कम 50 सदस्य का वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अगले 18 महीने का प्लान होना चाहिए कि वो अगले 18 महीने में क्या करने वाला है। सेंशन लिमिट अंडर इक्विटी स्कीम। तो इक्विटी ग्रांट स्कीम के अंदर क्या रहता है, इनका 10 लाख रुपए तक का लिमिट रहता है। उसमें इन्होंने यहाँ पे एक शर्त दी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो, इक्विटी ग्रांट सेल बी कैश इन्फ्यूजन इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर वो 10 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट स्कीम लेना चाहता है तो उनके पास खुद का पैसा भी 10 लाख रुपए होना चाहिए। जैसे किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके शेयर होल्डर के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा 5 लाख रुपए है, तो वो 5 लाख रुपए तक के लिए ही इक्विटी ग्रांट स्कीम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 5 लाख रुपए है और हम उनसे 10 लाख रुपए ले लें। जितना पैसा आपके पास इकट्ठा है उतना अमाउंट तक आप उनसे इक्विटी ग्रांट स्कीम के अंतर्गत पैसा ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपको दिया हुआ रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे इक्विटी ग्रांट स्कीम का, या फिर हाउ मेनी टाइम इक्विटी ग्रांट कैन बी सैंक्शन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितने बार इक्विटी ग्रांट ले सकता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ ए मेंबर एग्जिट द एफपीसी, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई एग्जिट होता है तो उसका क्या असर इक्विटी ग्रांट पर पड़ता है, ये सब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। दूसरा एक इनकी स्कीम रहती है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में भी ये क्या करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी रहती है उन लोगों को, ये उन ऑर्गेनाइजेशन को ये लोन देने का काम करते हैं। तीसरी बात अगर अपन बात करेंगे तो वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। अब इसमें देखेंगे आप व्हाट इज वीसीए, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम है क्या, तो ये क्या रहता है, ये इंटरेस्ट फ्री इन लोगों को लोन रहता है। जिसमें वो लोन ले सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाई एसएफएसी, यानी कि ब्याज रहित लोन एसएफएसी के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे तो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बीसीए, हु कैन अवेल बीसीए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिफाई फॉर बीसीए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बीसीए लेने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी होनी चाहिए बीसीए क्वालिफाई करने के लिए, और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी अमाउंट अंडर बीसीए, कितना अमाउंट वो ले सकते हैं बीसीए स्कीम के अंदर। ये आप सब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीसीए होती क्या है, कैसे इसको ले सकते हैं, कितना अमाउंट अपन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई रहती हैं। तो इनकी ये चार स्कीम्स है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इनसे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इम्पैनल्ड आरआईज, तो आपको यहाँ पे एक पेज खुलेगा, ये वाला क्या रहता है कि ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, और अपने किसान भाई ज़्यादातर हिंदी जानने वाले या उनकी लोकल लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, इनमें हर स्टेट में इनके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, तो जब आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में बताएंगे कि कैसे है। जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको जूम करके बताऊँ, ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पे यहाँ पे इनके सारे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये आपको पूरा बताएंगे कि कैसे ऑपरेट करना है या कैसे उसके बारे में आपको समझना है। दूसरा अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ यहाँ पे,
ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका मेघालय मणिपुर, ये आपको दिखाई देगा मणिपुर, ये आपका मेघालय। यहाँ पे इनके सेंटर हैं आपके खुद के स्टेट में, जहाँ आप इनसे फोन नंबर लेके या इनसे बात कर सकते हैं आपके रीजनल लैंग्वेज में, जिससे आपको पूरा अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। दूसरा, मैं एक और चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका ये खुलेगा यहाँ पे, इसमें आपका पूरा इनका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये आपके मोबाइल नंबर से ये आपका मेल आईडी और इनका वेबसाइट है, ये इनका रीजनल ऑफिस है एक गुवाहाटी आसाम में, इसके भी यहाँ पे टेलीफोन नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ आपका छूट जाए तो आप यहाँ पे भी इनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको आपका इंक्वायरी भरना है कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे बहुत सारे जो आपको दिखाएगा, आपका नाम भरना है, आपका ईमेल आईडी भरना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, एड्रेस भरना है और क्वेरी आप क्या जानना चाहते हैं, और आप इसको सबमिट करेंगे ये वाले बटन पर क्लिक करके, तो ये आपके फ़ोन नंबर पर या आपके मेल आईडी पर आपको जानकारी देंगे पूरा कि कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, वो जो मैंने अभी आपको लोन के बारे में बताया था, उसको लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म डला हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जो भी डिटेल या जानकारी आपसे जो मांगता है आप ये भर दीजिए और आप इक्विटी ग्रांट स्कीम आप ले सकते हैं। दूसरा, इनका जो एक और स्कीम थी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इसके पे भी यहाँ भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फॉर इक्विटी ग्रांट स्कीम और ऑनलाइन फॉर्म फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इन्होंने कुछ दिन पहले दिया था ई किसान, ये इनका दिल्ली में एक मंडी है जिन्होंने इन्होंने अभी ई किसान मंडी के रूप में स्थापित की है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के रेट दिखाई दे रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने आवेदन मंगाए थे, मैंने भी मेरे व्हाट्सएप पेज पे, फेसबुक पेज पे शेयर भी किया था, लेकिन ये 6-7 महीने पुरानी बात है। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने आवेदन मंगाए थे हर स्टेट में, ये ई इलेक्ट्रॉनिक मंडी, ई मंडी स्थापित करना चाह रहे थे। इसमें क्या होता है कि जहाँ किसान वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दे, बेचने वाले और खरीदने वाले, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका आप खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पे इनका ये यूजर आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ जो नए हैं वो लोग यहाँ पे ऊपर है, वायर रजिस्ट्रेशन, जो विक्रेता हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो आत्मा के किसान मित्र रहते हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे किसान अपनी फसल को बेच भी सकता है और जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या रहता है, अभी हम लोग एक एरिया में घूम रहे थे जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने टमाटर लगाए हुए, लेकिन हो क्या रहा था कि वो लोग टमाटर को बाजार में बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि रेट बहुत कम थे। तो अभी क्या है कि ये लोग पूरा ई मंडी बना रहे हैं, जहाँ से कहीं का भी किसान और कहीं का भी बायर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जिसके पास जो मटेरियल हो, जैसे कहीं टमाटर ज़्यादा होता है तो वो टमाटर का अपना वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारे पास टमाटर है, तो कहीं भी बैठा हुआ देश में अपना व्यापारी कहीं से भी खरीद सकता है। तो ये समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक ये एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट ई किसान मंडी, तो इन्होंने अभी एक मंडी खोली है ये दिल्ली में, जिसमें इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है
कि आप अपने घर, दुकानदार, दफ्तर में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से फल सब्जी की थोक मात्रा में खरीद व बिक्री कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरा, ई किसान मंडी पर व्यापार करने पर कमीशन 0% है, पंजीयन के लिए संपर्क करें। ये दिल्ली का है, अभी इन्होंने आवेदन मंगवाए थे कुछ दिन पहले, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि ये हर स्टेट में ई किसान मंडी स्थापित करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अपने जो भी खरीदार और बेचने वाले हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और अपने जो भी उनके पास है, बेचने वाले बेचेंगे और खरीदने वाले खरीदेंगे। तो ऐसा है इस पूरा स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने जो भी आपके संपर्क में किसान हैं, जो भी अपने अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, ये लोग आप किसान भाइयों को बताएं, जिससे किसान भाई और फार्मर प्रोड्यूसर जो उन्होंने बना रखे हैं वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं कि हमें और इसके बारे में ये जानकारी और चाहिए। और सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ये रेड कलर का बटन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ये वाले पे तो आपका ये चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।